हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट की वजह से होता है। और ये ज़्यादातर कई हर साल बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे भी जाते हैं। और ये मलेरिया जो है बहुत ही ज़्यादा लीथल है हमारे लिए। और जब हमारा जो सराउंडिंग रहता है उसमें अगर पानी इकट्ठा हुआ हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हुआ हो, जो ड्रेन का जो पानी है, गटर का पानी है, वो ठीक तरीके से म्यूनसिपालिटी के द्वारा साफ सुथरा नहीं किया गया हो, तो इन सब एनवायरनमेंट से जो है मस्कीटो जो है वो ग्रोथ करते हैं। एंड उसकी वजह से मस्कीटो बाइट का जो खतरा रहता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ये मस्कीटो जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, जो कि प्लाज्मोडियम का जो स्पेसिस है, जो कि मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, उसे कैरी करता है और इंसानों में ये मलेरिया डिजीज कराता है। नेक्स्ट आते हैं उसका साइन एंड सिम्टम के बारे में, जो कि मलेरिया का 24 से 72 घंटे का ये फीवर का ड्यूरेशन रहता है, इंटरवल में फीवर कराता है। नेक्स्ट आते हैं उसका चील कराता है, मीन्स ठंड फील कराता है। एंड उसके बाद जो है वो ये स्वेटिंग भी कराता है, मीन्स पसीना क्रिएट करता है। एंड उसके ये साइड इफेक्ट के अलावा जो कि सर दर्द कराता है, उल्टी कराता है, मीन्स ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये सिम्टम ये दिखाते हैं। अगर हमें ये सिम्टम दिखाई दिया तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं इसका लीथल इफेक्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर हम अडॉप्ट कर सकते हैं मस्कीटो बाइट से बचने के लिए, मस्कीटो का और ये मलेरिया का जो लीथल इफेक्ट है उससे बचने के लिए, जो कि हम ABCD अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि A4 हो गया अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स हम जागरूक हो सकते हैं बायो एजुकेशंस, और लोगों को जागरूक करा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करा के जो मलेरिया का साइन एंड सिम्टम है और उसका जो ट्रीटमेंट है उसे हम अवेयर करा सकते हैं पब्लिक को। एंड उसके बाद B4 आता है बाइट प्रिवेंशन, मीन्स हम मस्कीटो नेट लगा सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट हम लगा सकते हैं, और हम जो हमारा सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसे साफ सुथरा रख सकते हैं, जो कि मस्कीटो ग्रोथ करने ना दे। एंड यहाँ पे C4 आता है केमो प्रोफाइलैक्सिस। यहाँ पे देखो ज़्यादातर मस्कीटो का जो ग्रोथ होता है वो रेनी सीजन में होता है, क्योंकि जो गटर में सराउंडिंग में पानी भर जाता है जो कि उसे ग्रोथ करने में मदद करता है। तो उस दौरान हमें मलेरिया से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे कि क्लोरोक्विन क्विनाइन हम सिम्टम दिखाई देने से पहले ही हम ले सकते हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस। एंड D4 आता है डायग्नोसिस, मीन्स कुछ भी अगर हमें जो मलेरिया का साइन एंड सिम्टम जैसे कि बुखार, जो इंटरवल का बुखार रहता है और ठंड फील होता है, सर दर्द कराता है, उल्टी कराता है, ये सब साइन एंड सिम्टम दिखाई देने के बाद हम आर्ली जो है हम डायग्नोस कर सकते हैं इससे इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचने के लिए। एंड हियर वी डिस्कस द मेन टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो, दैट इज़ द ट्रीटमेंट और केमोथेरापी ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। और ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम स्पेसिस की वजह से होता है, और ये प्लाज्मोडियम स्पेसिस जो है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है टर्टियम एंड यहाँ पे लिखा है क्वार्टम। एंड इसका मतलब होता है टर्टियम मीन्स ये जो है लगभग 24 से 48 घंटे का इंटरवल में बुखार कराता है, और ये जो है लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर ये बुखार कराता है, मीन्स ये कंटिन्यूसली ये हर दिन जो है मलेरिया बुखार नहीं कराता, 24 से 72 घंटे के इंटरवल में ये बुखार कराता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओवल और फेल्सिफेरम जो है ये 24 से 72 घंटे के इंटरवल में बुखार कराते हैं, मीन्स जैसे कि तुम्हें सोमवार और जो मंडे रहता है, अगर उस टाइम तुम्हें अगर बुखार हुआ है तो नेक्स्ट जो है वो आइदर ट्यूजडे हो सकता है और वेडनेसडे हो सकता है टॉटियन फीवर में। वैसे ही क्वार्टन फीवर मीन्स अगर तुम्हें बुखार मंडे हुआ है तो तुम्हें नेक्स्ट आइदर वेडनेसडे और थर्सडे नेक्स्ट बुखार जो है वो हो सकता है। ये होता है टॉटियन एंड क्वार्टन का डिफरेंट। और ज़्यादातर इंसानों को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम ये दो कैटेगरी जो है वो
या मलेरिया कराते हैं, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ज़्यादातर तो जो है ब्रेन मलेरिया कराता है, जो कि हमारे लिए लीथल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं उसका कैटेगरीज, एंड दिस एंटी मलेरियल ड्रग आज डिफाइड आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब कैटेगरीज लाइक इन सिंकोना अल्कालॉइड्स द ड्रग कंटेन लाइक क्विनाइन एंड इन फोर एमिनो क्विनोलिन्स द ड्रग कंटेन क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन्स एंड इन एट एमिनो क्विनोलिन्स देर द ड्रग कंटेन प्रीमा क्वींस एंड द सब कैटेगरीज बाइगुआनाइड्स द ड्रग कंटेन प्रोगुआनिल्स एंड लाइक दैट। इन मिसेलानियस कैटेगरीज द ड्रग कंटेन सल्फोनामाइड टेरासाइक्लिन एंड एटावाक्योन। तो ये सब जो है एंटी मलेरियल का ड्रग एंड इसका सब क्लासिफिकेशन। पहले आते हैं जो है मैकानिज्म एक्शन के अंदर, जैसे कि हमारे ब्लड का जो मेन कॉम्पोजिशन रहता है आरबीसी, और आरबीसी का मेन कॉम्पोजिशन रहता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है वो मलेरिया पारासाइट के लिए खतरा बन सकता है। तो इसीलिए जब मलेरिया पारासाइट और जो प्लाज्मोडियम है अगर वो इंसानों में इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये हेम को एक एंजाइम रहता है हेम पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसके लिए ग्रोथ करने में मदद करता है। और जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ हेम उसके लिए खतरा होता है, हेमोजोइन जो है वो उसकी उसके एनवायरनमेंट के लिए सुइटेबल है, मीन्स ये हेम से हेमोजोइन में कन्वर्ट करके ये अपना जो ग्रोथ है वो होस्ट में और इंसानों में वो अपना ग्रोथ फैलाता है। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग जैसे कि क्लोरोक्विन क्विनाइन मेप्लोक्विन ये जो है ये हेम से हेमोजोइन जो है वो कन्वर्ट होने नहीं देता। नेक्स्ट आते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द ड्रग, एंड ये जो है ओरली और पेरेंट्रली दोनों रूट में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। लगभग 70% ऑफ ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, और लिवर में मेटाबोलाइज होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड प्लासेंटल बैरियर जो कि दो बायोलॉजिकल बैरियर है उसमें क्रॉस नहीं होता, मीन्स ये प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ है। और लगभग 20% अब ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है अपना एक्शन दिखाने के बाद। एंड इसका कुछ साइड इफेक्ट रहता है जैसे कि वर्टिगो, वर्टिगो मीन्स सर चकराने जैसा फील होगा, पाल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट्स एंड नाउजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट आते हैं इसका कुछ यूज, जैसे कि ये फीवर में यूज कर सकते हैं नॉर्मल फीवर में भी, एंड सम टाइम इट यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मीन्स बॉडी का जो फ्लूइडिटी बैलेंस रहता है उसे मेंटेन करने में भी यूज होता है, और मसल्स क्राम में भी ये एज ए पेन किलर के हिसाब से भी यूज होता है। नेक्स्ट दूसरा ड्रग जो है आज डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोक्वीन, एंड ये क्लोरोक्वीन जो है वो फोर एमिनो अल्कालाइन डेरिवेटिव से आया है, एंड इसका जो डोज है 250 mg ओरली और 40 mg पेरेंट्रली पर डे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो डोज है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मीन्स अगर फिजिशियन चाहे तो ये डोज से उसे डोज को इंक्रीज भी कर सकता है, और मैकेनिज्म एक्शन सेम रहता है जो कि हेम से हेमोजोइन कन्वर्ट होने नहीं देता। एंड इसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है और जीआईटी से ठीक तरीके से एब्जॉर्ब होता है, और ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू ये डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लासेंटल बैरियर है उसमें ये क्रॉस हो पाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये यूज नहीं करना चाहिए, और ये CSF मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। वैसे ही मेटाबोलाइज इन लीवर एंड एक्सक्रीट इन मिल्क एंड स्टूल। नेक्स्ट आते हैं उसका साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट मीन्स टीनिटस मीन्स एंड हेयर यू फील हियरिंग साउंड व्हेन देर इज नो एक्सटर्नल साउंड इज प्रेजेंट, मीन्स तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाई देगा, जैसे कि कुछ साउंड सराउंडिंग में नहीं होगा फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है मेरी साइड में। और वैसे ही विजुअल डिस्टर्बेंस एंड डाइप्लोपिया मीन्स डबल विजन भी ये साइड इफेक्ट करा सकता है। एंड इसका कुछ यूजेस देखते हैं अदर देन मैलेरियल ट्रीटमेंट, जैसे कि रिमेटोइड आर्थराइटिस एंड इनिशियल स्टेज ऑफ लेप्रोसी में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ड्रग जैसे जो कि प्रिमाक्विन है, और इसका ये जो है इसका सब क्लास है 8-aminoquinoline डेरिवेटिव से आया है, और ये 15 mg पर डे यूज हो सकता है, मीन्स ये डोज जो है मैं जो डोज बोल रहा हूँ ये फिजिशियन अपने डायग्नोसिस के हिसाब से इंक्रीज कर सकता है। मैकेनिज्म एक्शन सेम रहता है, मीन्स हेम से हेमोजोइन कन्वर्ट होने नहीं देता, और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है
ये ओरली ठीक तरीके से एब्जर्व हो पाता है, ब्रेन को भी पेनिट्रेट करता है, और पीक प्लाज्मा टाइम मीन्स 1 से 2 घंटे में ये अपना बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और लगभग 1% ऑफ ड्रग जो है वो 1 से 5% ज़्यादातर ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होता है, मीन्स ज़्यादातर अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, इसका जो कि उर्टिकारिया, मीन्स ये ड्रग जो है वो फूड के साथ इंटरेक्शन करके कुछ स्किन एलर्जिक रिएक्शन दिखा सकता है, और GIT डिस्कम्फर्ट मीन्स एब्डोमिनल क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन करा सकता है, और हेडेक भी ये करा सकता है। नेक्स्ट ड्रग इज प्रोगुआनिल, एंड प्रोगुआनिल जो है वो बाइगुआनाइड डेरिवेटिव से आया है, एंड इसका जो डोज है वो 100 से 300 mg का रहता है, एंड इसका फार्माकोकाइनेटिक GIT में ठीक तरीके से एब्जर्ब होता है, 75% ऑफ ड्रग जो है वो प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और स्लोली बॉडी से एलिमिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे 75% ऑफ ड्रग जो है वो प्लाज्मा से बाउंड हो रहा है, इसी वजह से स्लोली बॉडी से एलिमिनेट होता है एंड मेटाबोलाइज होता है लीवर में। एंड इसका कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि ये ब्लडी यूरिन करा सकता है, माउथ में अल्सर करा सकता है, और GIT डिस्टर्बेंस करा सकता है। एंड नेक्स्ट कैटेगोरीज आर्टी मीथर, ये आर्टी सुने डेरिवेटिव है, और ये जो है आर्टिमिसिया एनुआ प्लांट से आता है, ये एक चाइनीज प्लांट है आर्टिमिसिया एनुआ, और इस प्लांट से ये आर्टी ईथर का कंपोजिशन हमें मिलता है। एंड इसका जो डोज है 150 mg पर डे फॉर थ्री कॉन्टिन्यूस डेज यूज होता है। एंड इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, इट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स एंड प्रिवेंट हेमोजॉइन कॉन्वर्सेशन एंड डैमेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पैरासाइट व्हिच लीड्स टू डेथ ऑफ द पैरासाइट। मीन्स ये एक केमिकल रिलीज करता है जो कि हेमोजॉइन कॉन्वर्सेशन को होने नहीं देता, और उसकी वजह से जो पैरासाइट का सेल मेम्ब्रेन है वो डेस्ट्रॉय होता है, और पैरासाइट जो है वो डेथ हो जाता है। एंड इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो एब्जर्ब रैपिडली होता है, 1 से 2 घंटे में अपना हाई पीक एक्शन दिखाता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और ड्रग में अपना एक्शन दिखाने के बाद एक्सक्रीट हो जाता है। और साइड इफेक्ट ये ज़्यादातर इंट्रावेनसली यूज होता है, तो जब जो जिस जगह पे इंजेक्शन दिया जाता है उस जगह पे पेन होता है, मींस पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, नाउजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक जैसी साइड इफेक्ट ये दिखाता है। और ये एंटी मलेरियल ड्रग का कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स यहाँ पे देखो मैकेनिज्म एक्शन जो होता है वो ड्रग का पर्टिकुलर एक्शन रहता है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स ये बॉडी का जो डिफरेंट सिस्टम है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट दिखाता है। पहला तो है एंटी मलेरियल एक्शन दिखाता है, और दूसरा जो है वो लोकल इरिटेंट इफेक्ट दिखाता है, मीन्स लोकल पेन, स्टेराइल एब्सेसेस ये करा सकता है ज़्यादातर यूज करने के बाद, और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट में जो मायोकार्डियम है उसे डिप्रेस कर सकता है, और ज़्यादातर ये जो है हार्ट के लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जब लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी ये सब जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और मिसेलानियस एक्शन मीन्स माइंड एनाल्जेसिक के हिसाब से ये एक्शन दिखाता है, बुखार भी कम कर सकता है, और जो स्टिमुलेशन ऑफ यूटेरिन स्मूथ मसल्स मीन्स स्मूथ मसल्स रिलैक्स करने में भी ये मदद कर सकता है, और क्यूरारी मिमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। और यहाँ पे क्यूरारी मिमेटिक इफेक्ट मीन्स यहाँ पे दो टर्म मिला के आया है, एक है क्यूरारी, एक दूसरा जो है वो मिमेटिक। एंड क्यूरारी मीन्स ये एक कॉम्पोजिशन जो कि हर्बल कॉम्पोजिशन है जो कि मसल्स रिलैक्स करने में मदद करता है, और मसल रिलैक्सेंट के हिसाब से यूज होता है। एंड मिमेटिक मीन्स सिमिलर, मीन्स यहाँ पे मसल्स रिलैक्सेंट के जो एक्शन रहता है उसके उसके जैसा ही ये एक्शन दिखाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान हमें खास ध्यान देना चाहिए ड्रग चूज करते वक्त, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवक्स इन्फेक्शन में हम क्लोरोक्विन यूज कर सकते हैं ऑनटिल डिलीवरी और नो प्रिमाक्विन, बट वीकली 300 mg क्लोरोक्विन वी यूज। मीन्स यहाँ पे हम प्रिमाक्विन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फोइटस के लिए खतरा हो सकता है। 300 mg क्लोरोक्विन जो है हम वीकली के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं डिलीवरी होने तक। वैसे ही प्लाज्मा फैल्सिफेरम इन्फेक्शन में फर्स्ट ट्राइमिस्टर मीन्स पहला जो 3 महीना रहता है, एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमिस्टर मीन्स
फर्स्ट 3 महीना के बाद दूसरा 3 महीना एंड लास्ट जो 3 महीना, मीन्स प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मीन्स टोटल जो है वो 9 महीना होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स पहला जो 3 महीना है प्रेगनेंसी के होने के दौरान, उसमें हम क्विनाइन जो है वो 10 mg/kg 3 बार हम यूज कर सकते हैं एक दिन में। क्लिंडामाइसिन 10 mg/kg जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। पर बीडी में यहाँ पे बीडी मीन्स बीसिन डाई मीन्स 2 बार हम यूज कर सकते हैं फॉर दी 7 डेज। एंड नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमिस्टर मीन्स ACT मीन्स आर्टिसुनेट कम्बाइन थेरापी हम यूज कर सकते हैं मीन्स। एंड यहाँ पे आ रहा है एक टर्म ACT मीन्स ए फॉर आर्टिसुनेट, सी फॉर जो है ए फॉर आर्टिसुनेट, सी फॉर कॉम्बाइन, टी फॉर थेरापी। एंड आर्टिसुनेट कॉम्बाइन थेरापी में ASP और AL आ रहा है। यहाँ पे ASP मीन्स यहाँ पे होता है आर्टिसुनेट, एस पर होता है सल्फाडोग्जिन एंड पी फॉर आता है पाइरीमिथामाइन जो कि ये एक यहाँ पे आर्टिसुनेट एंड पाइरीमिथामाइन जो है वो 2 एंटीमलेरियल ड्रग है एंड सल्फाडोग्जिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। वैसे ही AL में आता है यहाँ पे आर्टिसुनेट डेरिवेटिव एंड एल फॉर आता है लूमी फेंट्राइन, ये भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है। मीन्स यहाँ पे देखो ASP मीन्स ए फॉर आर्टिसुनेट डेरिवेटिव, एस फॉर सल्फाडोक्सिन एंड पी फॉर पाइरीमिथामाइन, और AL मीन्स ए फॉर आर्टिसुनेट डेरिवेटिव एंड एल फॉर जो है वो लूमी फेंट्राइन। लुमिफेंट्राइन ये भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग एंड इट्स प्रिवेंशन थेरापी। होप यू एंजॉय द टॉपिक। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज रजिस्टर योर कॉमेंट्स इन कॉमेंट बॉक्स। हैव ए गुड डे। थैंक यू।